हेलो आदाब नमस्कार सत श्री स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट एम जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपका 30 मार्क्स का अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सेक्शन रहेगा तो इसके लिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर जो एम सॉल्व करना है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है तो इस वीडियो को इसलिए आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ले से तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी वन अकाउंटिंग फर्नशिज डाटा ऑन ऑप्शन आपके पास हैं इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर या फिर ऑल ऑफ द अबाउ तो आप इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एटी वन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव यानि कि डी ऑप्शन चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ मुंह करेंगे अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी टू लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एक्सिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू और कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स तो क्वेश्चन नंबर एटी टू का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे इसका सही आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स ए ऑप्शन ओके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द एसेट्स देट कैन बी इजिल कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज़ वन ईयर और लेस आर नाउन एज करंट एसेट्स फिक्सड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स तो एटी थ्री का आप आंसर दे देंगे एटी थ्री का सही आंसर है ए ऑप्शन करंट एसेट्स ओके तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 फोर कॉपी राइट्स एंड ट्रेड मार्क्स आर करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 84 फोर का सही आंसर आप दे दीजिए तो 84 फोर का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स सी ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ मुंह करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एटी फाइव द डेप विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड और लेस आर रेफर्ड टू एज करंट लाइबिलिटीज फिक्सड लाइबिलिटीज कंटिजेंट लाइबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ अबाउ तो एटी फाइव का आप आंसर दे दो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन करंट लाइबिलिटीज एटी सिक्स ग्रॉस प्रॉफिट इज आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स फ्यूअर परचेजेस या फिर नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है तो आप बता देंगे इसका सही आंसर है बी ऑप्शन एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट तो क्वेश्चन नंबर एटी सेवन का सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन यानि कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे एटी एट

आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल तो फिक्स्ड एसेट्स को सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सप्लेन क्या करता है इन चार जो ऑप्शंस में है आपको चुनना है तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर एटी नाइन का सही आंसर है डी ऑप्शन यानी कि आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रिसेल ओके तो एटी नाइन का भी आप आ, आपने आई होप सही आंसर दिया होगा अब हम नाइन्टीएथ क्वेश्चन की तरफ हम करेंगे द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कॉमोडिटीज इन टू सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू तो इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी का इसके ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट या फिर नन ऑफ दबाव तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी का सही आंसर है बी ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो चार्जेस होते हैं कॉमोडिटीज़ पे लगती हैं जो इन टू सेलेबल कंडीशन ये चार्ज होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो अब आपको क्या कर रहा है अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो जिसने भी अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ओके A has given a loan of rupees fifty thousand to the firm. At the end of year, loss was incurred in the business. Following interest may be paid to A by the firm. तो यहाँ पर आपको बताना है कि A और B बी जो हैं जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म में विदाउट एनी अग्रीमेंट उनके उनका कोई भी जो अग्रीमेंट नहीं हुआ है ए को एज़ गड फिफ्टी थाउजेंड का लोन उसने ए ने दिया है फर्म को और एट द एंड ऑफ़ ईयर लॉस वॉज इनकर्ड तो ईयर जब ख़त्म होता है तो बिजनेस को लॉस हो रहा है अब आपको क्या बताना है कि इंटरेस्ट कितना पे किया गया है ए को फर्म से तो यहाँ पर ऑप्शन है फाइव परसेंट पर एन एम सिक्स परसेंट पर एन एम सिक्स परसेंट पर मंथ या फिर एज देयर इज़ लॉस इन द बिजनेस देयर इंटरेस्ट के नॉट बी पेड तो जल्दी से आप इसका भी आंसर दे दीजिए तो दोस्तों नाइन्टी वन का सही आंसर है बी ऑप्शन सिक्स परसेंट पर पन एन तो इसका आप कर लेंगे सॉल्व अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू ए बी एंड सी वर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ एटी थाउजेंड एज़ पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अबाव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इन अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस बाय ए ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड इन एडिशन टू हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपने यहाँ पर क्या करना है शेयर निकालना है सभी पार्टनर्स का जो ए बी और सी जो पार्टनर्स है इनका जो शेयर है आपने नया न्यू शेयर निकालना है तो इसका फार्मूला जो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वहाँ से आप पहले आप रेशियो निकाल के वहाँ से आप नया शेयर निकाल सकते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन तो आपको ये क्रॉस चेक कर लेना है कि ए ऑप्शन आपका आ रहा है या नहीं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री इन फाइनेंस वी रिफर टू द मार्केट वे न्यू सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शनज़ आर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट तो 93 का भी आप आंसर दे देंगे जल्दी से 93 का सही आंसर है सी ऑप्शन प्राइमरी मार्केट ओके अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 फोर वट विच इज द ट्रेजरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द फर्म्स कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑप्शन हैं प्लानिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर आवर सींग दर्पोरेट पेंशन फंड सेलिंग स्टॉक्स एंड बोंड्स टू रेज कैपिटल या फिर ऑल ऑफ द अबाओ तो 94 का भी आप आंसर दे दीजिए ट्रेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं ओके अगले क्वेश्चन की तरफ हम वो करेंगे आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी विच फाइनेंस पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टिंग डिसीजन मार्केटिंग डिसीजन प्रमोशन डिसीजन या फिर नन ऑफ द वो तो दोस्तों इसका भी आंसर दे दीजिए इसका सही आंसर है इन्वेस्टिंग डिसीजन तो दोस्तों ये थे हमारे फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के लिए हैं अगली वीडियो में भी मैं कुछ इस, इसी प्रकार के एम सी क्यूज लेकर आऊँगा साइंस से रिलेटेड या फिर जो बाकी सेक्शंस हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उसके रिलेटेड जो भी एम सी क्यूज होंगे लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय